अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अयोध्या से चुनाव हार गए हैं, यह दुखद है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी यहां से जीते हैं वो अत्यंत बुजुर्ग हैं और एक दो महीने की ही मेहमान हैं हमारे ज्योतिष के हिसाब से। तो एक तो विधायक थे, अब वो सीट वो छोड़ेंगे तो वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और एक दो महीने के ही मेहमान हैं, इसके बाद उनके मरने के बाद फिर चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 लाख वोट से यहाँ जीतेगी। तो जो आज दुख है इसकी भरपाई होगी, ये हमारी कोई बद्दुआ नहीं है, एक ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो अत्यंत बुजुर्ग है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। वंदे मातरम, जय श्री राम। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो अयोध्या की अति महत्वपूर्ण सीट है, भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं आपको रहस्य बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, जान के हारी है। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी के जूठे बैर खाए थे, केवट को गले लगाए थे, ये राम राज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि यहाँ इंडी गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वह दलित समाज से हैं और अत्यंत वयोवृद्ध हैं, तो दलित के सम्मान में, बुजुर्ग के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने जान करके यह सीट जो है तो अपने लोगों से कह करके कि इस बार जो है तो वोट एक दलित के सम्मान में, एक बुजुर्ग के सम्मान में आप लोग जो है अवधेश प्रसाद को दीजिए, और वो जीत गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजुर्ग हैं वो कि एक ही दो महीने के मेहमान हैं। तो एक तो विधायक थे, वो सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा जीत लेगी चुनाव होगा तो, और एक दो महीने के बाद में जैसे ही ये मरेंगे अवधेश प्रसाद, फिर जब चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 लाख वोटों से यहाँ जीतेगी। इसलिए मैं आपको बता दूं, यह भारतीय जनता पार्टी का उदार व्यक्तित्व तो है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि दलित, बुजुर्ग, महिला, यह चाहे किसी भी पार्टी में हो हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है। इसलिए मैं आभारी हूँ, और यही रामराज का स्वरूप है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो अयोध्या के प्रति जो है निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई को समझें, और ये रामराज की आधारशिला है। वंदे मातरम।